हेलो एवरीवन, वेलकम टू लारिसा रियल टेक। आज मैं आपको गुड़गांव के मेट्रो रूट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि 7 जून को अप्रूव हो गया है, यानी कि इसी 7 जून को। वैसे तो हमने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, चाहिए तो उसका लिंक जो है वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, लेकिन उसमें जो डिटेल्स थी वो सारी टेंटेटिव थी, कुछ कन्फर्म नहीं था। अब जो डिटेल्स है वो पूरी कन्फर्म हो गई है, इसमें क्या लागत आएगी, कहाँ कहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं, कितने मेट्रो स्टेशन बनेंगे और कितनी जो डिस्टेंस है उसके बीच में रहने वाली है, कितना लंबा ये मेट्रो कॉरिडोर होने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो ये मेट्रो कॉरिडोर है वो कहाँ आने वाला है, क्योंकि वो जो है वो एक अलग पार्ट भी है, तो उसके बारे में भी जो है मैं बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आज हम इसके इस टॉपिक के ऊपर ब्रीफ में चर्चा करेंगे, इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि ये जो मेट्रो है ये कहाँ कहाँ आ रही है और इसके आपको क्या फायदे जो है मिल सकते हैं, और उसी हिसाब से फिर आप अपनी जो प्रॉपर्टी है वो परचेज कर पाओ, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जो है इन्वेस्ट कर पाओ। और आपके पास अगर ऑलरेडी प्रॉपर्टी है तो आप उसको होल्ड करो या फिर सोल्ड कर दो, तो वो चीजें भी जो है आप इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जगह पर, अगर आपकी उसकी लोकेशन में नियर बाय में अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसको होल्ड कर लो थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि उसके बाद जो है इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, तो एक अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट और देना चाहूंगा, व्हाट्सएप की कम्युनिटी जो है वो हमने बना दी है, बहुत टाइम हो गया, लाइक 1 मंथ के समथिंग हो चुका है, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही पिंड कमेंट के अंदर भी डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाद में फिर मेरे पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सर आप जो है हमें कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करवा लीजिए, क्योंकि उनको लिंक नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पिंड कमेंट के अंदर भी डाल दिया जाए और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी उस लिंक को ढूंढने में और ज्वाइन करने में। तो ये वाली चीज है, अब ये तो ज्वाइनिंग की बात हो गई, अब इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के फायदे क्या है वो भी एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ओपनली प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम वो चीजें शेयर करना हमको अलाउड नहीं होता, तो वहां पर हम नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीजें हम कम्युनिटी के अंदर शेयर करते हैं, जिससे आप जो है अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर पाओ। अगर कोई गलत न्यूज है, कोई बैड न्यूज आ रखी है, तो उससे थोड़ा सा आप बच पाओ, उसी के लिए जो है मैंने वो कम्युनिटी बनाई है। और सेकंड फायदा क्या है, अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको जो करंट अपडेट्स हैं वो सब जल्द से जल्द आपको कम्युनिटी के अंदर मिलते रहते हैं, जिससे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका मिल जाता है, तो इसीलिए वो कम्युनिटी जो है मैंने बनाई है। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में रिसर्च करने वाली फेज में हो, मतलब अभी अभी ताज़ा रिसर्च करने लगे हो, तो वो कम्युनिटी आपको बहुत काम आने वाली है। और थर्ड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अलावा प्रॉपर्टीज के अलावा भी जो नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं वो भी मैं वहाँ पर शेयर करूँगा, वो जल्दी वो चीज़ें भी मैं वहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे आप जो है घर से रिलेटेड, यानी कि आप अपने घर से रिलेटेड, चाहे वो होम इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो सेल है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर पता कर पाओगे और आप जो है सीख पाओगे अपने बेसिस पे कि आपको जो है कैसे प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए और कहाँ पर आपको परचेज करनी चाहिए, और आप डिसाइड कर पाओगे। अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो ये जो मेट्रो लाइन आ रही है इसके साथ साथ कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको लेनी चाहिए जिससे आपको रिटर्न अच्छा मिल जाए, तो अगर वो सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल कर लेना है, जिससे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपको प्रॉपर्टी गाइड कर देंगे प्रॉपरली कि आपको कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो परचेज करनी चाहिए और कौन सी आपको नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप यार वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी आपके फोन के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेट्रो कनेक्टिविटी बनने वाली है ये कम्प्लीटली एलिवेटेड रहने वाली है, यानी कि ये जो पूरा अपकमिंग मेट्रो का कॉरिडोर है ये कम्प्लीटली एलिवेटेड प्रोजेक्ट रहने वाला है, कहीं पर भी आपको अंडरग्राउंड या फिर ग्राउंड लेवल पर चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये एलिवेटेड बनाया जाएगा। इस मेट्रो रूट का काम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही इसका काम चालू हो जाएगा तो उस टाइम पे आपके लिए टाइम टू टाइम कंस्ट्रक्शन अपडेट भी लेकर आता रहूंगा मैं। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए 5452 करोड़ की लागत आने वाली है, और ये जो मेट्रो लाइन है
ये हुडा सिटी सेंटर से स्टार्ट होगी। जी हाँ, ये जो हुडा सिटी सेंटर अभी बना हुआ है इसी के साथ में ही, इस सेम से कनेक्ट नहीं होगी, इसी के साथ में एक और स्टेशन बनाया जाएगा जहां से ये मेट्रो जो है चालू होगी और ये जो करंट में जहां पर छोड़ रखा है वहां पर ये कनेक्ट की जाएगी। तो ये जो मेट्रो लाइन है ये हुडा सिटी सेंटर से स्टार्ट होगी और ये साइबर सिटी तक जाएगी, जिसके बीच में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर मिलेगी, पर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पूरा मेट्रो रूट जो है वो 28.50 किलोमीटर का होने वाला है, जिसमें आपको टोटल 27 मेट्रो स्टेशन मिलने वाले हैं। जी हाँ, 27 मेट्रो स्टेशन बनने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट गुड़गांव जो है वो इस रूट के बाद जो है कवर हो जाएगा, यानी कि पूरे गुड़गांव में मेट्रो की कनेक्टिविटी बन जाएगी। और ये जो मेट्रो स्टेशन है ये कहाँ कहाँ पर रहने वाले हैं उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो लागत आने वाली है उसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, मतलब इसमें जो लागत आने वाली है इसमें अलग अलग फेजेस के अंदर जो है वो अमाउंट जो है वो दी जाएगी, मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा वो इन्वेस्ट किया जाएगा। तो हम वो देख लेते हैं कि किन किन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है और टोटल जो कॉस्ट है वो एग्जैक्ट कितनी है। तो हमारी जो टोटल लागत है वो 5,452.72 करोड़ आने वाली है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो 896.19 करोड़ का है और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो शेयर है वो 1,432.49 सीआर का है। उसके अलावा जो लोकल बॉडीज कंट्रीब्यूशन है, मींस हुडा का जो कंट्रीब्यूशन है वो 300 करोड़ तक का रहने वाला है। तो अभी तक हमने देखा कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट का रहने वाला है इसमें, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, एंड देन उसके बाद हुडा का है, और उसके बाद पीटीए यानी कि पास थ्रू असिस्टेंस का जो रोल है वो रहने वाला है, जो कि एक लोन कंपोनेंट है। जी हाँ, इसमें लोन कंपोनेंट भी है, इसमें लोन लेकर भी चीजें जो है डेवलप की जाएंगी। तो ये जो लोन है ये ईआईबी यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड वर्ल्ड बैंक से लिया जाएगा, और इसके लिए जो है सारी चीजें ऑलरेडी कागज कार्रवाई जो है वो भी हो चुकी है। तो ये जो लोन है ये 2688 यानी कि 2,688.57 करोड़ का लोन होने वाला है। इसके अलावा लिफ्ट और जो एक्सीलेटर होते हैं उनके अंदर जो खर्चा आने वाला है वो 135.47 करोड़ का आने वाला है। तो इस तरीके से, मतलब अगर आप इन सारी अमाउंटों को कैलकुलेट करोगे तो ये जो कॉस्ट है ये बनती है 5,452.72 करोड़ की जो कॉस्ट है वो इसमें आ सकती है। और ये जो मेट्रो रूट है ये 4 साल में बनकर तैयार होगा। जी हाँ, ये मतलब लाइक अभी जो है इसके नेक्स्ट मंथ या फिर इस मंथ के अंदर जो है एंड तक मतलब इसका काम चालू हो जाएगा और आप 4 साल के अंदर जो है इसकी मेट्रो कनेक्टिविटी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट को जो बना रहा है वो बना रहा है HMRTC एजेंसी, इसको डेवलप करेगा। अगर आपको HMRTC का मतलब नहीं पता है तो बता दूं, HMRTC यानी कि हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको डेवलप करेगी। तो ये जो लागत है इस मेट्रो रूट को बनाने में आने वाली है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मेट्रो रूट है कहां कहां पर होने वाला है, और स्टेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसमें 27 मेट्रो स्टेशन रहने वाले हैं, बट अब बात ये आती है कि वो लोकेटेड कहां कहां पर है। तो मैं आपको एग्जैक्ट सेक्टर बता देता हूं वहां वहां पर ये लोकेटेड होने वाला है, और साथ में आपको स्क्रीन पर भी मैं आपको मैप के अंदर इस रूट का जो है वो बना हुआ है तो उसके अंदर भी आपको जो है पता चल जाएगा कि ये जो है कहां कहां पर एग्जैक्टली ये रूट जो है वो स्टेशन जो है वो कहां कहां पर बनने वाले हैं। पहले हम न्यू गुड़गांव के मेट्रो स्टेशन के बारे में देख लेते हैं कि न्यू गुड़गांव के अंदर ये जो मेट्रो लाइन स्टार्ट हो रही है ये कहां कहां तक बनेगी, या मतलब कहां कहां पर इसके स्टेशन होने वाले हैं। यानी कि हुडा सिटी सेंटर से मेट्रो लाइन स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट स्टेशन जो है वो हुडा सिटी सेंटर ही है। जो एग्जिस्टिंग जो मेट्रो स्टेशन है वो वाला नहीं है, इसके साथ जो है एक और मेट्रो जो है वो बनाया जाएगा, मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। वहां से जो है ये जो आगे आपने देखा हो तो कभी कि जगह छोड़ रखी है, तो वहां पर जो है ये लाइन कनेक्ट होगी और उससे फिर आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहला जो स्टेशन है वो हुडा सिटी सेंटर होने वाला है, एंड द सेकंड स्टेशन इज सेक्टर 45 में है। थर्ड स्टेशन जो है वो साइबर पार्क है, और फोर्थ स्टेशन सेक्टर 47 है। फिफ्थ स्टेशन जो है वो सुभाष चौक है। सिक्स स्टेशन जो है वो आपका सेक्टर 48 में होने वाला है। सेवन्थ स्टेशन जो है वो सेक्टर 72A में है, और 8th स्टेशन जो है वो हीरो होंडा चौक पर है। तो ये 8 स्टेशन है जो न्यू गुड़गांव में है, और इसके अलावा एक स्टेशन और भी है जो कि साइबर सिटी है, लेकिन वो एंड में आएगा, मतलब कि ये मैंने मेट्रो लाइन स्टार्ट हो रही है उस हिसाब से बताया। तो वो जो रूट है, मतलब वो जो स्टेशन है वो सबसे लास्ट स्टेशन है साइबर सिटी वाला, तो
तो वो हम सबसे लास्ट में काउंट करेंगे। बट अगर हम टोटल मतलब स्टेशन की बात करें तो ये जो है टोटल 9 स्टेशन हैं जो कि न्यू गुड़गांव में रहने वाले हैं। अब हम ओल्ड गुड़गांव की बात करते हैं, क्योंकि इस मेट्रो लाइन का जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो ओल्ड गुड़गांव में रहने वाले लोगों को होने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टेशन हैं वो न्यू गुड़गांव सॉरी ओल्ड गुड़गांव के अंदर ही लोकेटेड हैं। तो जो ओल्ड गुड़गांव के स्टेशन हैं वो देख लेते हैं। अगर आप में किसी का भी इसके सराउंडिंग में मकान है या आपने घर ले रखा है तो आप जो है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो जो पहला स्टेशन है वो है उद्योग विहार फेज 6 के अंदर, और जो सेकंड स्टेशन है वो सेक्टर 10 में है, थर्ड स्टेशन सेक्टर 37 में है, फोर्थ स्टेशन बसई विलेज में है, फिफ्थ स्टेशन जो है वो सेक्टर 9 में है, सिक्स्थ स्टेशन जो है वो सेक्टर 7 में है, और सेवंथ स्टेशन जो है वो सेक्टर 4 में है, एट्थ स्टेशन जो है वो सेक्टर 5 में है, एंड नाइन्थ स्टेशन जो है वो अशोक विहार के अंदर है, टेंथ स्टेशन जो है वो सेक्टर 3 के अंदर है, और जो 11th स्टेशन है वो बसगेड़ा रोड जो है उसके ऊपर है। जी हाँ, बसगेड़ा वाला जो रोड है वहां पर ये 11th स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा, और उसके बाद 12th स्टेशन जो है वो पालम विहार एक्सटेंशन पर है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो 13th स्टेशन है वो पालम विहार के अंदर है, मतलब कि नियर बाई में ही आपको जो है दो स्टेशन मिल जाएंगे। और जो नेक्स्ट स्टेशन है यानी कि 14th स्टेशन जो है वो सेक्टर 23A के अंदर है। जो ये जो रूट है वो मतलब ऑलमोस्ट आप ये देख रहे हो कि मतलब ऑलमोस्ट जो है जो ओल्ड गुड़गांव वो कवर हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेशन और बाकी हैं। तो 15th स्टेशन जो है वो सेक्टर 22 में है, और 16th स्टेशन जो है वो उद्योग विहार फेज 4 के अंदर है, और 17th स्टेशन यानी कि 17वां स्टेशन जो है वो उद्योग विहार फेज 5 में है, एंड लास्ट स्टेशन साइबर सिटी के अंदर है। तो अब आप बोलोगे कि यार आपने सारे स्टेशन बता दिए, लेकिन अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे का तो कहीं नाम ही नहीं आया। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, क्योंकि सब कह रहे थे भाई द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्टिविटी आ रही है कहाँ। तो अब जो है द्वारका एक्सप्रेसवे के वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो अब कनेक्टिविटी भी आ रही है, तो भाई और जो प्राइस है वो अप्रिशिएट होंगे। बट मैंने तो अभी तक बताया नहीं कि भाई कहाँ पर क्या आ रहा है, तो अब आपको जो है कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार इन्होंने बताया नहीं। तो अभी तक जो है मैंने आपको 26 स्टेशन बताए हैं, यानी कि 26 स्टेशन बताए हैं, और टोटल स्टेशन जो है वो 27 है। तो 27th वाला जो स्टेशन है वो 27th तो वही बात है, साइबर वाला ही है। बट इसका जो एक स्टेशन जो मैंने अभी तक नहीं बताया वो जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपका जो कन्फ्यूजन है वो अभी आपको दूर कर देता हूँ। तो ये वाला जो है ये इसी मेट्रो लाइन का पार्ट है, लेकिन वो अलग से डेवलप किया जाएगा। वो वाला जो स्टेशन है वो सेक्टर 101 यानी कि सेक्टर 101 के अंदर जो है ये स्टेशन होने वाला है, और वहां से जो लाइन है वो इस वाले रूट को सेक्टर 9 के पास कनेक्ट करेगी। तो ये जो है ये टोटल 26 स्टेशन हो गए साइबर सिटी को छोड़ के, और जो लास्ट स्टेशन है वो आपका जो है साइबर सिटी रहने वाला है। तो ये जो है ये न्यू गुड़गांव की बेल्ट में ही आता है। तो जो टोटल है 9 जो स्टेशन है वो न्यू गुड़गांव के अंदर हो जाते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मोस्ट ऑफ द मेट्रो स्टेशन आर लोकेटेड इन ओल्ड गुड़गांव, जिससे आपको पूरा ओल्ड गुड़गांव जो है वो मेट्रो की कनेक्टिविटी में कवर हो जाएगा। मतलब कि अब जो है ओल्ड गुड़गांव के अंदर जिसकी प्रॉपर्टी थी जिसके प्राइस जो है स्लोली बढ़ रहे थे, अब जो है उन प्रॉपर्टीज का टाइम आ गया है। जैसे ये मेट्रो रूट का होगा तो उन प्रॉपर्टीज के प्राइस में अच्छा खासा उछाल जो है वो वहां पर देखने को मिलेगा। मेट्रो रूट के नियर बाय में जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उनके प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी के नियर बाय में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मजबूत हो। कभी भी अगर मतलब रात को देर रात अगर कोई बंदा आता है तो इजीली जो है वो उसके घर पे पहुंच पाए। तो अभी जो है ये जैसे ही कनेक्टिविटी बन जाएगी तो उसके बाद इसके नियर बाय की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो फटाफट आप हमें हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और अपडेट्स के लिए कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लो। तो ये सारी एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर ये मेट्रो रूट जो है आने वाला है, यानी कि ये जो मेट्रो स्टेशन है वो गुड़गांव की इस लोकेशन पर रहने वाले हैं। ये जो मेट्रो रूट है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 34 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है। जब ये मेट्रो रूट डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट का फायदा कितना होने वाला है वो आपको बता देता हूँ। इससे FIRR मींस
फाइनेंशियली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 14.07% रहेगा और EIRR मींस इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 21.79% तक रहने वाला है। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गुड़गांव की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अराउंड 25 लाख है और एस्टिमेटेड डेली राइडरशिप जो है मतलब कि मेट्रो के अंदर डेली बेस पे जो लोग ट्रेवल करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिर्फ येलो लाइन है और अब जो ये जो रूट बन जाएगा तो इसके बाद जो डेली बेस पे मेट्रो में ट्रेवल करेंगे वो 2026 में 5.34 लाख के समथिंग लोग रहने वाले हैं और ये आंकड़ा 2051 तक 1,70,000 तक चला जाएगा। और जब हम बात करते हैं कि ये मेट्रो बनने वाली है तो लैंड किसकी है, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए थे बीच में, द्वारका एक्सप्रेसवे कोई ले लो चाहे आप, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये जो मतलब मेट्रो बनने वाली है ये इसमें जो लैंड है वो 90% लैंड जो है वो गवर्नमेंट की है एंड जो रिमेनिंग 10% लैंड है वो प्राइवेट है। तो सिंपल सी हमें ये चीज़ पता चलती है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में यानी कि इस मेट्रो रूट को बनाने में कोई भी हर्डल्स जो है वो नहीं आने वाली हैं, गवर्नमेंट इजीली जो है इसको बना सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि एलिवेटेड है तो कहीं ना कहीं आपको लाइक रोड ब्लॉक वाला जो है वो ज़्यादातर सीन नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका जो काम है वो स्टार्ट होने वाला है विद इन अ मंथ और इसका काम स्टार्ट करने के लिए शिफ्टिंग और यूटिलिटीज जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, जिसी जो टेंडर है वो अंडर प्रोसेस है। तो अब हम इन सिंपल वर्ड्स मेट्रो वर्क विल स्टार्ट इन 1 month एंड इट विल बी कम्प्लीटेड इन 4 years। सो अब आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे फ़ायदा उठाओगे वो ऐसे उठा सकते हो कि अभी आप जो है प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है इन्वेस्ट कर लीजिए जो मेट्रो रूट के नियर बाई में आने वाली हैं, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज़ के रेट जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी जो है उनको मेट्रो की भी मिलेगी और रोड्स तो ऑलरेडी डेवलप हो ही रही हैं, तो वो वाली चीज भी वो जो है आपको प्लस पॉइंट मिलने वाली है। तो अभी जो है प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का सही और अच्छा मौका है जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो आने वाले 4 सालों के अंदर जो है आपकी प्रॉपर्टी जब तक बनकर रेडी होगी यानी कि अपकमिंग प्रॉपर्टीज जो है उनमें इन्वेस्ट करो, तो जब तक ये मेट्रो लाइन रेडी होगी तब तक आपकी प्रॉपर्टी भी रेडी होगी। तो जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी तो ये मेट्रो लाइन भी रेडी हो जाएगी और उस टाइम पे आप अपनी प्रॉपर्टी का अच्छा खासा एप्रिसिएशन ले पाओगे। तो गाइज ये थी कहानी इस मेट्रो रूट की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मेट्रो रूट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर कोई और भी क्वेरी है तो उसके लिए आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एक बढ़िया लोकेशन में एक अच्छे रेट पे एक अच्छे सजेशन के साथ बढ़िया सपोर्ट के साथ, तो उसके लिए आप जो है हमें हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप किसी प्रॉपर्टी की साइट विजिट भी करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमें साइट पर जाके देखना है, तो साइट विजिट भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी सेम नंबर पे जो है आपको कनेक्ट करना है। तो गाइज आई होप कि आपको जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको अपकमिंग जो मतलब करंट अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत मिलते रहें। उसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट के अंदर डाल दिया है। इसके अलावा अगर अभी भी कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइज आपसे विनती है कि आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाओ जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।